पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समुदाय को पार्टी में जोड़ने के लिए एक बड़े स्तर पर काम भी कर रहा है। प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के बीच बैठक कर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और ये जानकारी दी कि सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिससे सभी को फायदा पहुंचा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्षों की बात करें तो 7% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इस बार 10% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने आप को आजमाने के लिए मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में मुसलमान वोटर ज्यादा हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए मुरादाबाद पहुंच रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक भी मुरादाबाद पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद जनपद के बुद्धिविहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय के वर्गों के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों से बातचीत की है। कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। वहीं जब हमने जावेद मलिक से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और सबके लिए ही काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वह पार्टी है जो सबको अपने साथ लेकर चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम भी भरपूर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा, जिसको लेकर वे आज मुरादाबाद पहुंची थी। वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान बढ़ा है और पिछली बार से ज्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय करेगा। किस तरह से इस बार तैयारी की है अल्पसंख्यक वोट को भाजपा में लेकर? हमारी तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता लाभार्थियों तक जाएंगे। जितनी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की चली हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, उस योजना को लाभ उन तक पहुंचा और उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस बार आपकी जो योजनाएं का लाभ मिला है उसके भारतीय जनता पार्टी को अगले वर्ष में वोटर बनेंगे। कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि अभी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है एनकाउंटर को लेकर, क्या लगता है आपको? देखिए, बदमाश जो होता है वो किसी जाति धर्म से बिलोंग नहीं करता है। बदमाश बदमाश होता है, तो कोई भी बदमाश किसी भी जाति धर्म का हो उसका एनकाउंटर भी होगा, जेल के सलाखों के पीछे भी होगा। कोई बदमाशी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि अल्पसंख्यकों की भाजपा नहीं रही है। विपक्ष का काम है अल्पसंख्यक समुदाय को डराना और वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय अब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल वो सरकार है जो मुसलमानों को या अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। पश्चिम क्षेत्र में क्या लगता है, पश्चिम क्षेत्र में अगर बात करें अल्पसंख्यकों को कितना आजाद मिलेगा भाजपा? पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा और अभी भी गया है, पहले भी था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।